पाकिस्तानी किनो देख रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो काफ़ी देर बाद व्लॉग बना रहा हूँ, काफ़ी बिजी हो गया था। तो जी आज जुमे का दिन है, अभी जुमा पढ़ के मैं आया हूँ और सबसे पहले एक जगह से फ्री कॉफ़ी, एक और जगह मेरी फेवरेट है क्योंकि हमेशा वहाँ से मुझे फ्री कॉफ़ी मिल जाती है। तो अभी कॉफ़ी पीते हुए मैं जा रहा हूँ दूसरी तरफ, वहाँ से मैं अपने एक दोस्त को लूँगा। फिर आज मैं पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम इन 8 ईयर्स इन मलेशिया मैं ट्राई करने जा रहा हूँ बैम्बू बिरयानी। तो जी आज अभी देखें फ्राइडे और बहुत ज़्यादा क्राउड है इस तरफ। तो जी अगर आप पवेलियन से सीधा आएँ, आगे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है पैराडाइज, उससे आप आगे क्रॉस करके आएँ तो ये इधर बैम्बू बिरयानी। मैं फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ तो अभी चलते हैं अंदर। Something sweet, I guess. ये है क्या? तो जी बैम्बू राइस मैंने एक तरफ मटन लिया है और दूसरी तरफ हमारा चिकन है, उसके साथ ये एक पापड़ सा देते हैं। ये बिल्कुल इंडियन स्टाइल है, इसको पापड़ हम कहते हैं। ये क्यूकम्बर साथ दही और ये पुदीने की चटनी। हाँ पुदीने की चटनी है। अब इसका मुझे पता नहीं, इसको लेफ्ट हैंड से मुझे ट्राई करना पड़ेगा। कुछ मीठा सा है, पता नहीं क्या है, जैसे हलवा नहीं होता उस तरह का है, लेकिन हलवा है लेकिन उसका टेस्ट जो है हमारे वाले हलवे से बहुत डिफरेंट है। बीच में शायद ये संदूर डालते हैं मेरा ख्याल है इसको रेड करने के लिए। और ये मेरा मटन देखिए इसमें कितना ज़्यादा, और जो खाया जाएगा वो हाथों से, और मुझे हाथों से खाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसलिए मेरी ये 2-3 फिंगर बाहर निकल जाती हैं, तो इसको इग्नोर कर देना। सो लेट्स टेस्ट फर्स्ट अंडा चावल। सही इंडियन मसालेदार बिरयानी है ये। नाइस। मैं चिकन के साथ ट्राई करना चाहूँगा, एक चिकन चोरी कर ली इधर से। अंडा वो आ गया, उसके साथ ये भी लेता हूँ। ऐसे ही खाते होंगे, मज़ेदार। आई थिंक चिकन इज़ बेटर देन द मटन बिकॉज लेस स्पाइसी। उसके साथ है ऑरेंज लस्सी। मैंने अभी तक मैंगो लस्सी वगैरह तो ट्राई की, लेकिन ऑरेंज लस्सी मैं पहली दफ़ा ट्राई करने लगा हूँ। और ये मैंगो लस्सी से बहुत बेटर है। और इसके साथ अभी ये इन्होंने हमें एक और दी है, ये कड़ी, इसको ये कड़ी कहते हैं हमारे लिए, वो जो ग्रेवी वगैरह, लेकिन तमिल इसको कड़ी कहते हैं और मलेशिया में इसको कड़ी ही कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं अभी। तो जी ये है, अब इसका जो भी प्राइस वगैरह ओवरऑल एक्सपीरियंस वो मैं इसको खा के बताऊंगा। अभी कैमरा बंद करते हैं और खाने पे फोकस करते हैं। सी यू आफ्टर द ब्रंच। तो जी ये है स्टेशन खाना खत्म करने के बाद, वो फुल हो गया मैं, साथ ये टू मच। ऑनेस्टली दिस इज़ नॉट फर्स्ट टाइम आई केम दिस रेस्टोरेंट, दिस इज़ द थर्ड टाइम। फर्स्ट टाइम आई केम विद वन ऑफ माई फ्रेंड, आई मेड ए वीडियो एंड अपलोड ऑल्सो। दैट टाइम आई ट्राई चिकन बैम्बू बिरयानी एंड नसी लामा विथ ऑल्सो इन द बैम्बू बिरयानी बैम्बू।
Second time also I came, I try, I think, mutton biryani that you tried today. To be honest, I feel the food was better last time than this time. Maybe they changed their chef or whatever, but it's still pretty good. And they increased the price a bit, which is fair and reasonable because we know the expense of chicken and everything goes up in Malaysia. So it's a good experience. Which one was better, chicken or lamb? For me, chicken. Chicken was better. तो जी बेम्बू बिरयानी खा ली और अच्छा मज़ा आया वहाँ पे हम दो तीन घंटे बैठे रहे ताकि थोड़ा सा सूरज कम हो जाए। अभी इवनिंग का टाइम है, बड़ी हसल बसल शुरू हो गई है, लेकिन ये इस तरफ हम फिर बाद में कि फ़िलहाल हम चलते हैं चाय पीने। एक बांग्लादेशी रेस्टोरेंट है वहाँ पे, सुना है कि चाय बड़ी मज़े की है। तो इंडियन रेस्टोरेंट के बाद अब हम पियेंगे चाय बांग्लादेशी रेस्टोरेंट से। तो जी ये मेरी चाय आ गई और पहली दफ़ा मैं किसी मिट्टी के इस तरह के बर्तन में चाय पीने लगा हूँ। ये एक बांग्लादेशी रेस्टोरेंट है, तो अगर कोई बांग्लादेशी भाई वीडियो देख रहा है तो वो यहाँ पे ज़रूर विज़िट कर सकते हैं, इनका खाना भी बहुत कमाल का है। तो जी अभी मैं ये बुकी बिनताग में एक कलर स्ट्रीट है, अभी यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत रेनोवेशन हो रही है तो उस तरह से नहीं, ये इससे पीछे भी थोड़ी एक और जगह वहाँ पे भी, तो यहाँ पे आप आके अच्छी पिक्चर ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। अगर आप टिकटॉक वगैरह यूज़ करते हैं तो बड़ी अच्छी यहाँ पे आपको वीडियो बनाने के लिए जगह मिल जाती है। तो अभी हम इस तरफ से होके अभी आगे जा रहे हैं, मेरे दोस्त ने कुछ ग्रॉसरी करनी है तो हम ग्रॉसरी करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो किस तरह मिलती हैं, ग्रॉसरी किस तरह होती है और चीज़ें कितनी महंगी हैं। तो ये वीडियो क्योंकि कुछ काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि मुझे हमें बताया जाए कि मलेशिया कितना एक्सपेंसिव है और प्राइस का क्या हिसाब है, तो इस वीडियो में आपको सारी डिटेल मिलेगी हर चीज़ की। मैं प्राइस कोशिश करूँगा मैं नीचे मेंशन करता जाऊँ, इवन कि जो खाना वगैरह भी जो भी खाया, तो इससे जो लोग मलेशिया आना चाहते हैं उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, उनको एक रफली आइडिया हो जाएगा कि मलेशिया कितना एक्सपेंसिव है। तो चलिए अभी आगे चलते हैं, शाम का टाइम है, अभी काफ़ी लोग बाहर आ गए हैं, आगे जाके भी मैं आपको एक औसम क्राउड भी दिखाऊंगा। तो फिलहाल चलते हैं ग्रॉसरी करते हैं। चलिए ये देखें यहाँ पे ये फ्रूट्स वगैरह, यहाँ पे हर सीज़न का आपको फ्रूट मिलेगा क्योंकि ये ज़्यादा फ्रूट इम्पोर्ट होते हैं, तो इसलिए ये मैंगो आपको 12 महीने मिलेगा, बाकी ये चीज़ें भी। और यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें ये टोकरी में लगा दी और ये प्राइस ऑलमोस्ट $1 एक टोकरी का। तो इस तरह बनाना वगैरह यहाँ पे काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। तो अभी हमने एक मॉल में जाना है लेकिन पता नहीं ये रास्ता उस तरफ जाता है कि नहीं, ऐड चलते हैं आगे जाकर देखते हैं। ये पाकिस्तानी किलो देख लें आप और इसकी मैं आपको प्राइस दिखाता हूँ। देखें पाकिस्तानी किलो मेन ट्रे और ये इनकी प्राइस ऑलमोस्ट 6 रिंगिट, जो कि तकरीबन ये $1.5 से कम ही है। तो ये भी देखेंगे रेडी हो रहे। और ये अब देखें बड़ा बड़ा सा जिंजर, ये अफ्रीका से है, अफ्रीकन लोगों की तरह बड़ा बड़ा है। और ये चेक करें, ये पूरे 1 किलो से भी ऊपर का ये आम है थाईलैंड, और इस तरफ भी थाईलैंड, ये भी थाईलैंड, और ये मलेशिया के लोकल, और इसमें ये पपीता है और ये बाकी सारी चीज़ें। लेकिन इससे बड़ा और इस कलर का आम मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। ये पाकिस्तानी की 4 पीस नहीं है और इनकी कीमत बनी है 4.181, तो तकरीबन $1 और कुछ सेंट्स। और ये देखेंगे ये यहाँ से फ्रेश चूज करेंगे, यहाँ पे ये मछली को रखते हैं, यहाँ से निकाल के आप फ्रेश कटवा लें और कैसे मारते हैं मछली को, ये हलाल होता है ऐसे करना? अरे ना। तो जी ये इवनिंग व्यू। तो जी अभी
अभी शाम का टाइम हो गया और अनवर वापस चला गया। यहाँ पे आप क्राउड देख सकते हैं कितना ऑसम। अभी मैंने कुछ बैक कैमरे से मैंने वो माइक यूज़ करके वीडियो बनाई थी, उसमें ना कुछ वॉइस का इशू आया, लेकिन वो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। उसमें आप क्राउड देख सकते हैं और इतना ऑसम क्राउड था। अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर मैं एक वॉकओवर की वीडियो बनाऊँ, वो मैं अपने एक अलग से चैनल पर अपलोड करूँगा। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर मैंने उसको पहले अपलोड किया या बाद में किया तो फिर भी मैं उसको ऐड कर दूँगा बाद में। तो चलिए अभी एक वॉक रोड की वीडियो बनाते हैं और फिर उसके बाद वापस आपको मिलते हैं। और चलें तो जी, अभी मैं पवेलियन से उस तरफ से चल के उस तरफ आया हूँ। मैंने वॉक रोड का अपनाया है, मैं बात करते हुए आपको वो क्लिप्स दिखाता हूँ और आप देख सकते हैं कि कितना ऑसम क्राउड है। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ कोई था नहीं, वैसे भी होता भी तो काफ़ी मुश्किल थी कि कोई बंदा अच्छा सा ना क्लिप वहीं पर रुक के जिसमें कैमरे के सामने आकर बातचीत कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो एनीवे आप ये वाइब देख सकते हैं डिनर इवनिंग की और कितना ऑसम ये क्राउड है। अभी मैं फिर किसी दिन नेक्स्ट टाइम मैं इस पर एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा और मैं इसमें आपको नेक्स्ट में हम ये टॉपिक भी रखेंगे कि कुआलालंपुर कितना एक्सपेंसिव है और $10 में आप क्या क्या कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम दूसरे डिफरेंट चैलेंज करेंगे कि जी 10 दिन में क्या आप 24 आवर्स सर्वाइव कर सकते हैं या क्या क्या। तो वो नेक्स्ट पे रखते हैं टारगेट। आपकी कोई रिकमेंडेशन या कोई पर्सनल आप चाहते हैं कोई इस टॉपिक को कवर किया जाए तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अभी आप इवनिंग को साथ साथ इंजॉय करें और मेरे ख्याल से इसके साथ ही हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं और हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा।